असलम अरुज गफूल इज हेयर टूडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल दोज कंपाउंड कार्बन एज एन इसेंशियल एलिमेंट अलोंग विद हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फोरस एंड हेलोजन एट्सेट्रा आर कार्ड ऑर्गेनिक यानी कि जितने भी कंपाउंड्स जिनमें कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस ये सारी चीज़ें पाई जाती हों उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाता है बटर और सिल्क क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है इसके बाद हम लोग एक एक टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे सबसे पहले आ जाती है इसकी टाइप ओपन चेन कंपाउंड्स दिस कंपाउंड कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम यानी इस टाइप में जो कार्बन एटम होता है वो सिंगल चेन की फॉर्म में आ रहा होता है इसको आगे मजीद टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है जिनमें आ जाती है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन कंपाउंड अब हम बात करते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। यानी कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते क्या यहाँ ऐसे कंपाउंड जिनमें जो कार्बन एटम है वो मज़ीद टू अदर कार्बन एटम के साथ मिलके एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म लेता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड और इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमने ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक कार्बन के साथ मजीद तीन कार्बन अटैच हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स इन दिस कंपाउंड्स आ कार्बन इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद मोर देन टू अदर कार्बन एटम्स अब हम अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोगों ने प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है जिसके सेकंड कार्बन के साथ हम लोगों ने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया है जिसकी वजह से इसका नाम हो गया है टू मिथाइल प्रोपेन अब हम बात करते हैं कि क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स जो क्लोज हों और एक रिंग की फॉर्म में एटम की उनको हम कहते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स अब हम इसको आगे मज़ीद उन्होंने टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अब हम बात करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं द कंपाउंड्स इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें जो उनकी रिंग है वो सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल हो कोई और ग्रुप ना हो उसको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कम्पाउंड जिसको मज़ीद टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं द कंपाउंड्स विच कंटेन आर रिंग ऑफ थ्री और मोर कार्बन एटम। यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें थ्री या इससे ज्यादा कार्बन एटम हो और वो मिलकर एक रिंग की फॉर्म लें उसको हम कहेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एग्जाम्पल की बात करें तो हमने साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है जिसमें चार कार्बन एटम मिलकर एक रिंग की फॉर्म बना रहे हैं अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड डेट कॉन्टेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग यानी कि ऐसे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग हो उसको हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स और इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले तो आ जाएगी बेंजीन जिसमें सिक्स कार्बन मिलकर एक बेंजीन रिंग बनाते हैं इसके साथ हम लोगों ने टोलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है यानी कि बेंजीन रिंग के साथ हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया है अब हम बात करते हैं हेड्रोसाइकिल कंपाउंड्स के बारे में द कम्पाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स मोर देन वन काइंड यानी कि इसमें जो रिंग है उसमें एक से ज़्यादा काइंड्स के एटम अटैच हों जैसे कि इसकी एग्जाम्पल में हम लोगों ने पायोडीन को डिस्कस किया है यानी कि बेंजीन रिंग के साथ एक नाइट्रोजन ग्रुप अटैच हो तो उसको हम कहते हैं पायोडीन